प्रामाणिकता की बात हुई है, आचार्य यशी फुटुनसुक भी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आखिर हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, ये कहा जाता है प्रमाण दीजिए, आखिर आस्था का क्या प्रमाण? मेरी मेरी आस्था है, मेरी आस्था किसी में भी हो सकती है, और जब मेरी आस्था भगवान राम में है तो किसी को दिक्कत कहाँ है? और अगर दिक्कत है तो ये बताए ना, दिक्कत किस बात की है? आस्थाओं से अगर हम प्रमाण मांगेंगे तो क्या वास्तव में हम उस भारत के विकसित भारत की बात करेंगे? भारत विकसित होगा तो वो विकसित जब भारत होगा वो हर किसी का होगा, वो हमारे भविष्य का भारत होगा। आप क्या कहेंगे महाराज जी? मैं सर्वप्रथम नेटवर्क 10 जो टीवी को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही और सनातन धर्म के अन्य जो सर्वधर्म संसदीय हमारे परम पूज्य गोस्वामी जी के नेतृत्व में आपने हमें निमंत्रित दिया है। मैं आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे पहले सभी संतों ने बताया कि राम केवल सनातन धर्म तक सीमित नहीं है, श्री राम श्री प्रभु राम पूर्व विश्व का एक माने हुए एक भगवान है जी। और मुझे तो बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि आज आप लोगों के माध्यम से मुझे यहाँ अयोध्या और राम का मंदिर का दर्शन और हनुमान के मंदिर का दर्शन, मुझे आपको इसलिए सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि मैं एक चित्र लेके आया हूँ जो 97 में मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ यात्रा कांगड़ा के पुलिस ग्राउंड में मुझे उस समय रथ यात्रा को स्वागत करने का अवसर मिला। आज 25 वर्ष के पश्चात और उनकी जो सपना जो है वो पूरा होने जा रहा है, उससे बल्कि कोई और सफलता मैं अपने जीवन में जीते हुए जो सफलता होता है वही सबसे बड़ा बलपूर होता है। तो महाराज जी, आपको लग रहा है कि जो अयोध्या बन रही है, ये जो नवीन अयोध्या बन रही है, ये वास्तव में इतिहास में कुछ कहेगी, जो हमारा एक नया भविष्य बच्चों का, जो वास्तव में इससे कुछ उन्हें एक संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है वो सीखने को मिलेगी। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि और ये और स्थिरता बना हुआ है भविष्य जो आने वाले जो जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ये अयोध्या रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक भगवान राम का ये आशीर्वाद रहेगा। तो इसीलिए आने वाले पीड़ितों को केवल भारतवर्ष के नहीं परंतु विश्व के लोग यहाँ आते हैं। मैं तो छात्र जीवन में जब मैं सारनाथ में पढ़ते थे तो हम अयोध्या में आते थे दर्शन के लिए, और आज के अयोध्या और आज के वो स्थान जो है एकदम परिवर्तन हुआ है, कि ऐसा लग रहा है कि अब तो पहले से ज्यादा सुविधा, पहले से ज्यादा लोगों के लिए एक वो लोगों को जो चाहे वो यहाँ उपलब्धियां हैं। तो इसलिए यहाँ तो केवल हम तो जबकि एक अच्छे श्रेय को जब जाते हैं तो उसमें हम शब्दावली जो है वो अशुद्ध शब्दावली प्रयोग नहीं करता है, तो इसलिए मुझे लगा कि शुद्ध प्रयोग करना चाहिए और शुभ अवसर करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। जैसे हम सर्वधर्म सम्मेलन का हम जहाँ संकट है वहाँ हम लोग जाते हैं, जैसे मणिपुर का संकट था तो स्वामी जी और हम लोग यहाँ फादर और हम सभी लोग उस समय हम गए थे, जहाँ संकट थे वहाँ पर हम लोग एक समर्थन जताने के लिए गए थे, गवर्नर हाउस में हम लोग जाके वहाँ शांति वहाँ पे प्राप्त होने का और समस्या का समाधान होने का। तो इसीलिए जब यहाँ भगवान राम का पवित्र स्थल में इस तरह के, हम तो बौद्ध धर्म को मानने वाला है, तथागत बुद्ध को उपदेश को मानने वाला है, परंतु एक आपसे हट के एक धर्म है, लेकिन अन्य धर्म को आधार करो और अपने धर्म को अपनाइए, यही तथागत बुद्ध का भी उपदेश है, यही परम पूज्य ने दलाई लामा जी बराबर कहते हैं। तो इसलिए आज यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि भगवान राम सबके, भगवान राम सबके है। अंत में गांधी जी ने भी अंतिम संस्कार में हे राम का नाम लिया, तो अपने आप में बड़ी बात है।